मैंने आपको बताया था। तो ये देखें आप, ये मुरब्बा आप पूरा साल। तो जी नाजरीन, मैं ये आपके लिए गाजर का मुरब्बा बना रही हूँ। मैंने कहा इसकी रेसिपी आपसे शेयर कर दूँ। ये मैंने गाजरें ली हैं, देखें कितनी प्यारी फ्रेश फ्रेश गाजरें हैं और इक्वल सी साइज़ हैं इनके, बहुत प्यारे। ये मैंने इसको छील के काट के रखा है। अभी मैं धो के इनको फिर पानी में डाल के फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने इनको छील के काट लिया है, ये ना इतने इतने मैंने इसके टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं इसके ये मैं आप ये फोक ले लें। अब इसकी मदद से ना आपने इसको ऐसे ऐसे ना इसको आपने गोदना है, ये ऐसे करके ये आपने इनको गोदना है। ये ऐसे पूरी पूरी गाजर को आपने ऐसे गोदना है, ये सारे आप करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो ये बार ये देखिए, मैंने ये सारी गाजरों को मैंने कांटे की मदद से ना इनमें छेद कर दिए हैं, मतलब इनमें ये देखें। अब मैंने ये पानी है, ये तकरीबन मैंने ली थी 2.5 किलो गाजरें थी और छील के और साफ करके ये 2 किलो रह गई होंगी। अब मैंने इनको धो के, ये साफ पानी है, ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब पानी है। अब मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ, ये सारी गाजरें इसमें ये देखें इसमें डाल के, तो इसको चूल्हे पर रखती हूँ। ये मैंने अब गलने के लिए इनको ऊपर रख दिया है। ये तकरीबन मैं इनको 10 मिनट पकाऊंगी, इसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी और इलायची ऐड करूंगी, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो व्यूअर ये देखिए, इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका फालतू पानी थोड़ा सा निकाल रही हूँ। फालतू पानी इसलिए निकाल रही हूँ कि ये चाशनी इतनी ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। अब मैं ये पानी निकाल के तो फिर इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसको पूरी रात के लिए इसको रख दूंगी और कल मैं इसको फिर दोबारा से पकाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे पकेगा। एक दिन में नहीं पकेगा ये, इसके 3 स्टेप हैं, वो तीनों फॉलो करने पड़ेंगे तब ये मुरब्बा बनेगा और ये पूरा साल खत्म नहीं होगा। मैंने इस गाजर को मुरब्बे को ओवर नाइट पूरी रख दिया था और ये पूरी रात ऐसे ही पड़ा रहा है। और ये सुबह मैंने इसका ये देखे शीरा फिर पतला हो गया, फिर मैंने इसको ऊपर अब आग पे रखा है। अब ये इसको उबाल आएंगे, इसको 10 मिनट मैंने पकाना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी नाजरीन, ये देखें, ये मैंने इसको पूरी रात के लिए रख दिया था, अभी मैंने इसको पकाया है तकरीबन आग पे मैंने 10-15 मिनट मैंने पकाया है। तो अभी इसकी ये चेक करें, ये शीरा इसका बहुत गाढ़ा हो गया है। तो अभी मैं इसको फिर रख रही हूँ और इसको फिर एक रात के लिए और मैं रख रही हूँ, फिर कल इसको मैं दोबारा आपको दिखाऊंगी। आज मुरब्बे का 3रा दिन है, ये 3री बार मैंने इसको ऊपर रखा है और इसको 10 मिनट के लिए पका रही हूँ। और आज मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये 2 चम्मच सिरके के और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। ये इसकी ना शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा, ये पूरा साल इसको ख़राब नहीं होने देगा सिरका। अगर आपके पास लेमन है तो आप एक लेमन का रस इसमें निचोड़ सकते हैं। मेरे पास लेमन नहीं था, मैंने इसलिए सिरका ऐड कर लिया है। तो ये अभी आप इसको 10 मिनट में पका के फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। आज ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। जी व्यूअर, ये देखें फाइनल आज हमारा मुरब्बा तैयार हो गया है। ये इसको मैं 3 स्टेप में ये बना है, मैंने आपको बताया था। तो ये देखें आप, ये मुरब्बा आप पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं ये आप इसकी लुक चेक करें, ये आप काटें अंदर तक इसका, ये देखें ये चीज़ देखें, ये देखें ये अंदर तक पका हुआ है और इस रस से भरा हुआ है और ये बिल्कुल बहुत ही मज़े का है। ये देखें, ये देखिए, ये आप पूरा साल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर ये देखें, ये हमारा मुरब्बा फाइनली तैयार हो गया है, ये इसकी फाइनल लुक है। इस मुरब्बे को आप पूरा साल रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये आपको जो काले काले नज़र आ रहे हैं इलायची के बीज हैं, ये मैंने खुशबू के लिए इसमें इसको डाला है। ये मैंने काटा है, इस देखें अंदर तक इसके इसमें चाशनी अंदर तक है और ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही यमी और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है।